उल्टा चश्मा में होगी 7 साल बाद दया बेन की एंट्री। दोस्तों टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा बीते कई सालों से फैंस का दिल जीत रहा है। ऐसे में शो किसी न किसी वजह से भी चर्चा में बना रहता है। शो को अब तक कई सारे एक्टर्स छोड़ भी चुके हैं और मेकर्स ने नई एंट्रीज भी कराई है, लेकिन अब तक मेकर्स दया बेन का रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाए हैं। मेकर्स हमेशा वादा करते हैं दया बेन को लाने का, लेकिन सारे वादे खोखले निकलते हैं। ऐसे में मेकर्स पर फैंस का गुस्सा भी फूट पड़ता है। वहीं मेकर्स ने अब फिर से वादा किया है फैंस से कि वो दया बेन को लेकर आएंगे। वहीं मेकर्स की तलाश खत्म भी हो चुकी है और इसका खुलासा शो से जुड़ी एक्टर ने ही किया है। आपको बता दें शो में मिसेस सोड़ी का कैरेक्टर प्ले करने वाली जेनिफर मिस्ट्री ने इस बात का खुलासा किया है। जेनिफर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जेनिफर ने खुलासा किया है कि मेकर्स को वो लड़की मिल गई है जो कि दया बेन का रोल प्ले करेंगी। पिछले 3 साल से दया बेन के कैरेक्टर के लिए इस लड़की का ऑडिशन चल रहा है। ये लड़की बिल्कुल हूबहू दया बेन जैसी लगती है। इस लड़की को दिल्ली से बुलाया जाता है। हैरानी की बात ये है कि ये लड़की महज 28 से 29 साल की है। इसके आगे जेनिफर ने कहा कि दिशा और उस लड़की की बीच की उम्र में बहुत बड़ा अंतर है, जिसकी वजह से मेकर्स और उसके बीच बात नहीं बन पा रही है। साथ ही जेनिफर ने बताया कि उस लड़की के साथ सेट पर मॉक टेस्ट वीडियोस भी शूट हुए। उस दौरान पहले दिलीप जी के साथ मॉक शूट हुआ, उसके बाद टप्पू सेना के साथ मॉक शूट वीडियो बनाया गया। उस लड़की का चेहरा हूबहू दया बेन के साथ मिलता है। ऐसे में अब देखना होगा क्या ये 28 साल की लड़की बनेगी दया बेन। फैंस को मिलेगा बड़ा सरप्राइज। क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में कमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।